Hello student, in this session of class we take up our yesterday's topic word stress, and this is the last lecture on this topic. So where we left on the suffixes and the word stress. So we continue from it. Now the first thing is that in the suffixes and the word stress is about the words ending, yani words jo end hote hain usme jo suffix judta hai उससे जो वर्ड के जो स्ट्रेस की जो पोजीशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखेंगे. फर्स्ट जो है वर्ड एंडिंग विथ आई ओ एन से जो वर्ड एंड हो रहा है यानी जो सफिक्स उसमें जुड़ रहा है किसी वर्ड में, दैट टेक द प्राइमरी स्ट्रेस ऑन द सेकंड लास्ट सिलेबल. वो ऐसे वर्ड में उस वर्ड में जो सेकंड लास्ट जो सिलेबल है यानी जो लास्ट का उससे जस्ट पहले वाला जो सिलेबल है उस पे स्ट्रेस आएगा, वर्ड स्ट्रेस आएगा. जैसे एप्लीकेशन जो वर्ड है एप्लीकेशन वर्ड में ये तो सफिक्स है, देन उसके बाद में इसका जो फर्स्ट लेवल छोड़ के जो लास्ट का जो सेकंड है उस पे क्या लगेगा, स्ट्रेस लगेगा यहाँ पे. कॉम्बिनेशन में नेशन को हमने छोड़ा, देन उसके बाद में जस्ट इसके पहले एन पे ये स्ट्रेस आएगा, वर्ड स्ट्रेस इस पे आएगा. एग्जामिनेशन जो वर्ड है इसमें नेशन को हम नहीं करेंगे काउंट, उसके बाद में ये जो फर्स्ट लेवल होगा देन उसके बाद में उससे जस्ट पहले सेकंड वाले से जस्ट पहले इस पे आ जाएगा. और जो उसका सेकंड, ये तो प्राइमरी स्ट्रेस है, जो सेकंड स्ट्रेस है वो कहाँ आएगा, ए पे यहाँ पे. नेशन अगर वर्ड आ जाता है तो इसमें ये तो इसका सफिक्स हो गया, अब कहाँ पे स्ट्रेस लगेगा, एन पे स्ट्रेस लगेगा. सेकंड जो है वर्ड एंडिंग विथ ICICALICALY and IOUSIALY, ऐसे ये जो सफिक्स हैं जो वर्ड के एंड में आते हैं तो ये कैसी पोजीशन देते हैं वर्ड स्ट्रेस में, ये क्या करेंगे, जो प्राइमरी जो स्ट्रेस है उसको उसके जो सिलेबल को प्रिसीडिंग करेंगे सफिक्स पे. दैट मीन्स टेक द प्राइमरी स्ट्रेस ऑन सिलेबल प्रिसीडिंग द सफिक्स. जैसे इसको एग्जांपल से एक बार समझ लेते हैं. ट्रैफिक वर्ड में आई सी तो ये सफिक्स हो गया. अब इसके बाद में जो उसके बाद में प्रोसीड कर रहा है यहाँ पे उसके जस्ट पहले वाले पे स्ट्रेस आएगा. बायोलॉजिकल वर्ड में ICAL तो सफिक्स है एंड उसके बाद में यहाँ पे सिलेबल है उसके जस्ट पहले वाले पे स्ट्रेस आएगा इस जगह. देन कमर्शियल कमर्शियल वर्ड में IAL तो सफिक्स हो जाएगा, देन उसके बाद में जो सिलेबल आ रहा है वो यहाँ आ रहा है तो उसके जो जस्ट पहले वाले पे यहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगा. मेमोरियल वर्ड में
IAL suffix and जो stress आएगा वो कहाँ आएगा उसी जस्ट पहले M पे and एक last word और ले लेते हैं pathetic pathetic जो word है इसमें I C तो suffix हो जाएगा and उससे पहले यहाँ पे स्ट्रेस आएगा तो जस्ट पहले वाले वर्ड पे यहाँ टी पे स्ट्रेस आएगा। थर्ड जो नंबर है वो है वर्ड्स एंडिंग विद आई टी वाई। आई टी वाई से जो वर्ड एंड होते हैं टेक प्राइमरी स्ट्रेस ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द एंड, यानी जो वर्ड जो एंड है उसके एंड से जो थर्ड सिलेबल है यानी लास्ट से अंतिम से जो थर्ड सिलेबल है उस पे स्ट्रेस पुट होगा। जैसे एक वर्ड देखते हैं इसमें एबिलिटी, एबिलिटी एबिलिटी वर्ड में आई टी वाई तो ये तो हो गया सफिक्स, देन उसके बाद का जो बचा हुआ है उसमें से ना पूरे वर्ड को हम देखेंगे तो इसमें थर्ड कहाँ से आ रहा है, एक तो ये है एंड ये उसके जस्ट पहले वाला बी, बी पे ये वर्ड स्ट्रेस आएगा। कैपेसिटी, कैपेसिटी आई टी वाई, हमें ये ध्यान रखना है कि आई टी वाई जो सफिक्स है उसमें होगा कि थर्ड सिलेबल पे आएगा, वर्ड को हमको पूरे पूरे को काउंट करना है, एक सिलेबल यहाँ पे है एक यहाँ तो उसके जस्ट थर्ड नंबर वाले पे ये वर्ड स्ट्रेस आएगा। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी में इससे हमने पहचाना कि अब आएगा जो वन एंड टू एंड ये दिस इज थर्ड यहाँ पे पुट होगा। फ्यूटिलिटी इसमें भी फर्स्ट तो यहाँ हो जाएगा सेकंड यहाँ और ये थर्ड टी पे लग जाएगा। इस तरह से जो वर्ड स्ट्रेस का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट है। यहाँ पे जो लेक्चर है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करें।